हेलो गाइस और कनिष्क यादव की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ सिट्रोइन की C5 एयरक्रॉस। ये बहुत बढ़िया गाड़ी है और ये कंप्लीट करेगी आपकी जीप कंपास से और जो आपकी टाटा हैरियर है उससे, तो इस सेगमेंट में फॉल करेगी। ये सेगमेंट है जिनमें क्रेटा से थोड़ी बड़ी गाड़ी आती है और फॉर्चुनर से थोड़ी छोटी गाड़ी आती है, मतलब उनके बीच की जो गाड़ी आती है उस सेगमेंट में गाड़ी फॉल करने वाली है। दो वेरियंट्स में आने वाली है गाड़ी, फील और शाइन। तो ये फील वेरियंट है, शाइन वेरियंट जब आएगा तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और ये कार का अलग ही लुक आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये फ्रेंच कार है। सामने मिलता है आपको सिट्रोइन का लोगो क्रोम पे, क्रोम से ही सराउंडेड भी है ये, देखेंगे आप पूरा इंटीग्रेट किया गया है क्रोम से, अगल बगल पूरा क्रोम मतलब अच्छा लगता है वाला क्रोम देखने में। यहाँ पे LED DRLs और टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, दोनों चीज़ें LED मिलेंगी और पियानो ब्लैक फिनिश के ऊपर मिलेंगी। यहाँ से भी पूरा ऊपर की तरफ भी पूरा क्रोम दिया गया है, नीचे की तरफ भी पूरा क्रोम दिया गया है और बीच में आपकी पियानो ब्लैक फिनिश है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश जो आप कहना चाहें। और ये पूरा हेडलैम्प यूनिट अलग है और DRLs और वो टर्न इंडिकेटर्स यूनिट पूरी अलग दे रखी है। और हेडलैम्प्स अगर आप जलते हुए देखना चाहें तो वो ऐसे लगेंगे आपको, कुछ हेलोजन ही दिए गए हैं पूरी तरह से, और प्रोजेक्टर भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक हेलोजन जिन्हें आप कहते हैं वो है, ये रिफ्लेक्टर्स बेस्ड जो आप कहते हैं वो है ये। तो ये तो आपने देख ही लिया, और बाकी अगर जलते हुए इनको देखना चाहें तो वो कुछ ऐसे लगेंगे, कुछ पर्पल से शेड में दिए गए हैं ये, लेकिन ये LED हैं तो ये अच्छी बात है, तो ये अच्छे लगते हैं जलते हुए काफ़ी। और यहाँ पे हेडलैम्प्स के लिए दिए गए हैं हाई बीम और लो बीम। जो ये जलता हुआ आप देख रहे हैं ये है लो बीम, और जो बगल वाला है वो है हाई बीम। हाई बीम वाला आपको डिप्पर मारेंगे तब भी वही जलेगा, हाई बीम वाले ही। तो ऐसी कुछ है इसमें। और आगे बात करें तो ये है इसकी लुक, ये वाइट कलर अभी हम देख रहे हैं, और वाइट कलर में ही आपको ये रेड कलर की वो मिलती है थोड़ी सराउंडिंग, जो लुक बढ़ाती है थोड़ी। और ये वो है रेडिएटर के लिए दिया गया है ताकि हवा जा सके उसमें भी। यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है, ये पहला था, ये रहा दूसरा, यहाँ पे दिया गया ये तीसरा, और ये है चौथा। तो चार सेंसर्स ये हैं। ये आपको कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैम्प्स दिए गए हैं, यानी कि अगर आप राइट स्टीयरिंग घुमाएंगे तो राइट फॉग लैम्प जलेगा और लेफ्ट घुमाएंगे तो लेफ्ट फॉग लैम्प जलेगा। तो ये फीचर है इसमें, ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड भी एक दिया गया है, राइट साइड भी एक दिया गया है। तो ये ऐसे कुछ फीचर्स दिए गए हैं इसमें आपको। तो अब अगर आप इस सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस की डायमेंशन जानना चाहें तो वो है इसमें 4500 mm की लेंथ दी गई है, 1840 mm की आपको इसमें विड्थ दी गई है, और 1670 mm की आपको इसमें दी गई है हाइट, जो सेगमेंट के हिसाब से बहुत सफिशियंट या बढ़िया जो आप कहना चाहें वो है। और व्हील बेस 2730 mm का दिया गया है इसमें, वहीं इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 230 mm का आपको दिया गया है। तो इस कार में केवल आपको डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन दिया गया है, और जो इंजन स्पेक्स हैं वो है 2 लीटर का डीजल इंजन या 2000 cc, 177 bhp की पावर डिलीवरी और 400 Nm का टॉर्क। और SUV है तो उस हिसाब से बोनट भी आप देखेंगे, पूरे डिजाइन उसी SUV स्टाइल में दे रखा है आपको इसमें। ये कुछ आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे इसमें डुअल टोन फिनिश में, ब्लैक और सिल्वर फिनिश में, और ब्लैक ये पियानो ब्लैक फिनिश है, बीच में सिट्रोइन का लोगो है। और ये आपकी 235x55R18 18 इंच के टायर है फॉर्चुनर के बराबर, और ये रियल लाइफ में देखने में और भी बहुत बड़े लगते हैं, मतलब जितना कैमरे में दिख रहा है उससे कई ज़्यादा बड़े लगते हैं ये। यहाँ पे भी एक एक सेंसर दिया गया है, मतलब 6 सेंसर तो आगे की तरफ ही मिल जाता है, मतलब एक इस तरफ एक उस तरफ, 6 सेंसर मिलेंगे आपको आगे की तरफ। और ये आपको ये स्कर्टिंग्स और व्हील आर्चेस क्लैडिंग कुछ दी गई है यहाँ पे, ताकि छोटे मोटे स्क्रैच से बचा ले, तो ये भी बढ़िया बात है। और यहाँ पे आप देखेंगे ए पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, और ये रेड वाली बात यहाँ पे भी है, लुक बढ़ाते ही है ये। अभी आप यही सोचिए व्हाइट कलर का होता तो कैसा लगता, अब रेड लग रहा है तो थोड़ी स्पोर्टी लग रही है कार, तो ये बात है। और यहाँ पे दिए गए आपको ORVMs इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग और लॉक अनलॉक करने पे भी ये फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। बॉडी कलर दिए गए हैं ये, नीचे LED टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, और उसके नीचे ब्लैक फिनिश दी गई है आपको कुछ, और ये 360 डिग्री कैमरा भी आपको इसमें मिलता है, जिसके लिए आपको कैमरा नीचे दिया गया है। तो सही है ये यूनिट भी पर्टिकुलरली, और फिट एंड फिनिश तो बढ़िया है ही। और अगर आप इनको जलते हुए देखना चाहें तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे जलते हुए कुछ ऐसे लगते हैं, बिल्कुल LED है तो वो बात आती भी है इनमें। और ये जो DRLs जहाँ पे जलेंगे वहीं पे इंडिकेटर जलेंगे, वो भी LED हैं, बढ़िया लगते हैं जलते हुए। और बिल्कुल कोने पे दे रखे हैं ताकि जो पीछे से आए उसको भी दिखें। ये आपको रूफ रेल्स दी गई हैं यहाँ पे कुछ ऐसी, तो SUV में रूफ रेल्स के बिना तो अधूरी ही होती है SUV। इसमें भी रेड और ब्लैक वो दे रखी है टेपिंग। यहाँ पे क्रोम बीडिंग मिलेगी आपको, सिल्वर कलर में होता है क्रोम तो सिल्वर कलर ही है यहाँ पे, और पूरे पे मिलेंगे, मतलब आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, और सी पिलर पे भी हर जगह क्रोम दे रखा है।
और बढ़िया लगता है, मतलब आफ्टर मार्केट कराने की जरूरत ही नहीं। ये आपको क्वार्टर ग्लास मिलता है बहुत बड़ा, थर्ड रो में आप बैठ नहीं सकते लेकिन तब भी क्वार्टर ग्लास इतना बड़ा दिया गया तो बढ़िया बात है, लुक भी बढ़ रहा है। और ये डोर हैंडल दिया गया आपको वाइट फिनिश में, मतलब जिस कलर की भी आप गाड़ी लेंगे उस कलर में। यहाँ पे भी आगे डोर हैंडल मिलेगा और कीलेस एंट्री वगैरह सब मिलेगी आपको। और की फीचर्स के ऊपर डेडिकेटेड मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, वो जल्दी आएगी चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए। और ये पीछे वाला टायर है इसका, एलॉय मिलेगा पीछे भी आगे दिया है तो। और ये इसका लुक, लुक तो इस गाड़ी का मतलब अलग ही है। आप इसको रोड पे लेके निकलेंगे ना नहीं नहीं तो बहुत लोग आपको पूछने वाले मिल जाएंगे, तो अभी अगर आप लेते हैं तो बढ़िया ही है। और ये स्पॉयलर दिया गया है यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ, ये दिया गया है इसमें डिफॉगर, और यहाँ पे दिया गया है नीचे वाइपर, और वॉशर भी दिया गया है, वो दिया गया है आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प पे यहाँ पे। तो ये पूरी एक ही वो है असेंबली, यहाँ पे सिट्रोइन का लोगो और सिट्रोइन लिखा भी गया है, तो ये बढ़िया बात है, लुक भी बढ़ा देता है ये। और पियानो ब्लैक और क्रोम फिनिश में आपको लोगो दिया गया है। और ये इसके टेल लैम्प्स हैं, फोर एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे और ये पूरी तरह से LED हैं। बस इसमें जो रिवर्स लाइट और वो है इंडिकेटर्स, वो आपके हेलोजन है, यहाँ पे आप देखेंगे पूरी LED हैं ये। और इनको जला के भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो उसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये इसका पूरा रियर लुक, रियर से कि थोड़ी MPV और SUV दोनों लगती है, मतलब अलग ही है ये। C5 Aircross लिखा भी गया है यहाँ पे, तो ये बढ़िया बात है। एक यहाँ पे ये फेक मिलता है बस एक लुक के लिए, जैसे वरना में मिलता है आपको ये एक सेंसर, दूसरा फिर ये रहा आपका तीसरा, और नेक्स्ट ये चौथा, फिर ये फिफ्थ, और लास्ट में आपको मिलेगा सिक्स, यानी कि टोटल 12 सेंसर गाड़ी में, 6 पीछे 6 आगे, तो गाड़ी लगने का सवाल ही नहीं है। और ये रिफ्लेक्टर दिए गए हैं आपको पीछे की तरफ दो, ये फेक एग्जॉस्ट दिए गए हैं, मतलब एग्जॉस्ट इसमें दो ही मिलते हैं पर दो फेक भी मिलते हैं, ये दूसरा वाला फेक वाला, रियल वाले आपको नीचे मिलते हैं जहाँ पे हर गाड़ी में मिलते हैं वहाँ पे दो हैं। और ये इसकी रूफ है, और बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी बढ़िया है गाड़ी, जब डोर्स खोलते हैं तो आपको फील भी होता है कि आप कुछ चीज़ में डोर खोल रहे हैं, बलेनो की तरह नहीं कि बिल्कुल जैसे हवाई हो, वो चीज़ इसमें नहीं है। और यहाँ पे वो है कैमरा दिया गया है पार्किंग के लिए, ये लाइसेंस प्लेट के लिए लाइट दी गई है, यहाँ पे मैग्नेटिक बटन दिया गया है, इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता है, अपर वेरिएंट में मिलता है। और ये बूट भी इसका इतना भारी है, उठाना ही पड़ता है आपको हाथ से वो भी। और ये बूट स्पेस कितना है आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख के आ रहा है देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है ये, जितना आप कैमरे पे देख रहे हैं उससे बहुत बड़ा है ये, सामान आपका आ जाएगा आराम से। यहाँ पे लाइट भी दी गई है आपको, इसमें हेलोजन है ये, LED नहीं है। और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, अगर आपको मोबाइल चार्जिंग पे लगाना हो अपने तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगा सकते हैं। यहाँ पे हुक भी दे रखा है आपको, फिर यहाँ पे भी हुक दे रखा है, एक साइड में आप कुछ रख भी सकते हैं सामान, और यहाँ पे भी आप कुछ सामान रख सकते हैं, और हुक था वहाँ पे भी, आइसोफिक्स वगैरह जो होती है। ये पार्सल ट्रे है, पार्सल ट्रे मुझे साइज में थोड़ी छोटी लग रही है, पता नहीं क्या है। ये हुक दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे भी हुक दिया हुआ है, और ये आपको ये स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं। तो अभी मैं देखते हैं इसका कितना साइज दिया गया है, जनरली छोटा ही दिया होता है 1 इंच, तो अभी इसका देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एलॉय व्हील है सबसे पहले, तो स्पेयर व्हील भी आपको एलॉय ही मिलेगा, स्टील रिम नहीं दिया गया है स्पेयर में, तो ये बढ़िया बात है, कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं दिया। और फिर यहाँ पे आपको 235x55 R18 इतना ही टायर मिला है, तो मतलब बढ़िया बात है। तो प्रोफाइल भी वही एलॉय भी मिल रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा स्पेयर है फिर वही जब कभी लाया था वो है। तो आइए बूट को बंद करते हैं, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक बटन नहीं है, वो अपर वेरिएंट में है, उसको भी हम देखने वाले हैं जल्दी, जैसे ही शोरूम में आता है आपको दिखाऊंगा मैं वो। और बूट बंद ही नहीं होता, इतना भारी है ये, आप सोच सकते हैं कितना भारी है। तो सेफ्टी तो है ही गाड़ी में बढ़िया। और अभी हम चलते हैं कार के अंदर, फिर आपको अंदर के फीचर्स भी दिखाएंगे। इंटीरियर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया इस कार का, बहुत ज़्यादा। अभी इसके अगर हज़ार्ड लैंप्स ऑन कर दें तो आप देखना पीछे का, दोनों बाकी के इंडिकेटर्स दिए गए हैं LED, ये वाला आपको हेलोजन दिया गया है। और हेलोजन कैसे पता चलेगा आपको, ये इंस्टेंट नहीं जल रहा, मतलब धीरे धीरे जल के फिर धीरे धीरे बंद हो रहा है, देखिए आप। वहीं जब हमने आगे के और ORVMs के देखे थे तो वो इंस्टेंट जल के इंस्टेंटली बंद हो रहे थे, तो ये आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाता है कि वो है क्या है ये। ऐसी कुछ इसमें चाबी देखने को मिलती है, यहाँ पे हेडलैम्प लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो भी जल्दी आएगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब कार के अंदर चलते हैं और आपको अंदर के फीचर्स दिखाते हैं, तो चलिए कार के अंदर चलते हैं। तो ये ऐसा कुछ इसमें डोर पैनल मिल गया है, मतलब मिलता है तो। और ये जो इसके ग्लासेस हैं वो कुछ अलग तरह से हैं, ताकि जो इंजन की नॉइस आती भी है वो भी मतलब अंदर ना आए, और अलग ही है ये, मतलब स्पोर्टी नॉइस आती है इंजन की। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं, और दरवाज़ा एक बार में बंद होता ही नहीं,
इतना भारी दरवाजा है ये, बंद होता ही नहीं है एक बार में, बलेनो की आदत पड़ी हुई है। उसके बाद इसके दरवाजे बंद करो तो पता चलेगा। यहाँ पे पावर विंडोज के कंट्रोल, चारों पावर विंडो मिलती हैं आपको इस कार में, और ये विंडो लॉक और उसके आइसोफिक्स नहीं सॉरी चाइल्ड लॉक वगैरह वो सब दिए गए हैं। ये ORVMs कंट्रोल और वो सब है यहाँ पे, लेफ्ट राइट वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आगे भी आपको वो एडजस्टमेंट का वो दिया गया, मतलब आगे करना है ORVM, पीछे करना है, और लेफ्ट राइट वो सब दिया गया आपको। तो बढ़िया है, ये भी सारे एडजस्टमेंट दिए गए हैं आपको इसमें। और बड़ा साइज मिलता है आपको ORVMs का, ताकि पूरा वाइडर व्यू मिले आपको। और आगे विजिबिलिटी की बात करें तो बोनट भी आपको आधा दिखेगा, मतलब आधे से ज़्यादा ही दिखेगा, मतलब पूरे से थोड़ा कम, आधे से थोड़ा ज़्यादा, इतना आप कह सकते हैं। मेरी हाइट है 5'6" से लेकर 5'7" के बीच में, तो इतना दिखेगा आपको बोनट अगर आप देखें तो। बाकी हाइट तो आप बढ़ा ही सकते हैं। और इंटीरियर क्वालिटी, फिट एंड फिनिश क्वालिटी आप तो लाजवाब ही है इस कार की, क्या ही कहना उसके बारे में। तो यहाँ पे हॉर्न पैड मिलेगा आपको, ये आपको दिया गया कॉलिंग कंट्रोल, और वो और यहाँ पे आपको मिलती है 8 इंच की स्क्रीन, और 8 इंच की ही है ये, थोड़ी बड़ी देनी चाहिए थी वैसे तो कॉम्पिटिशन को देखते हुए। ये AC वेंट्स हैं जिसके सराउंड में आपको मिलता है क्रोम, और उसके पीछे मिलेगा आपको पैनो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे इसी स्टीरियो के कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं बिल्कुल स्लीक, और ये AC कंट्रोल्स दिए गए हैं पैनो ब्लैक फिनिश पे, जो बहुत स्मार्टली प्लेस्ड हैं। यहाँ पे हजार्ड लैंप का, ये आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट का वो मिलेगा, यहाँ पे आप लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए। ये आपका USB पोर्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे कुछ आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिलते हैं, मोड्स बहुत सारे हैं इसमें, देखिए इको स्पोर्ट, और अगर आप इको स्पोर्ट हटा देंगे तो अपने आप सिटी पे लग जाएगा ये, तो ये बढ़िया बात है। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिलता है, और ये आपको बिल्कुल BMW स्टाइल में वो मिलता है गियरनॉब। पर्सनली बहुत पसंद आया मुझे ये, बिल्कुल BMW में भी शायद एक दो गाड़ियों में यही यूज़ किया गया, तभी यही एकदम मज़ा आ जाता है इसको देखते ही, इसको देखते ही लगता है ये पैसे वसूल हो गए मतलब। तो बढ़िया ही है ये, मैनुअल भी मोड आप कर सकते हैं, तो पैडल शिफ्टर्स आपको इसमें मिलते हैं प्लस और माइनस से आप देखेंगे, तो ये बढ़िया लगा मेरे को तो बहुत ज़्यादा। ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी आपको इसमें दी गई है, आप इसको इनेबल डिसेबल वगैरह कर सकते हैं, और ये ऑटो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है तो वो भी बात है। और इसमें हिल होल्ड असिस्ट और सब दुनिया भर की सेफ्टी के दे सकते हैं, मतलब TCS ESP और पता नहीं क्या क्या दे रखा है इसमें, तो सेफ्टी के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं हुआ, तो सेफ्टी के उससे भी आप देखेंगे तो बढ़िया है गाड़ी। यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको वही ट्रैक्शन कंट्रोल और वो सब मिलते हैं, सैंड मोड और वही सब जो आपको मिलता है, डेजर्ट मोड और वो ट्रैक्शन कंट्रोल, तो यही है। और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही आपको इसमें मिलता है डीजल के साथ, और यहाँ पे मूड लाइटिंग भी आपको दी गई है तो कप होल्डर्स के पास में, तो जो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको रात के समय देखते हुए, दिन में इतना चमक रहे हैं तो सोचिए रात में कैसे लगेंगे ये। तो ये तो बात है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है कुछ अलग ही, बिल्कुल जैसे हाई क्लास कार में आप बैठे हो ऐसा लगता है। ये देखिए जो अलग अलग खुल रहे हैं ना, ये मतलब बढ़िया ही है। और यहाँ पे भी बहुत स्पेस दिया गया है, एक आपका टैबलेट तो आराम से आ जाएगा इसके अंदर, तो ये भी बढ़िया है। वेल डन सिट्रोएन, वेल डन आई विल से दैट। और अगर आप सामने देखते हैं तो फिर अभी थोड़ा काम वाम चल रहा है, और ये सिट्रोएन का लोगो आपको स्टीयरिंग पे भी मिलता है, और एयरबैग भी आपको लिखा गया है, तो एयरबैग तो है ही इसमें तो लिखा ही जाता है, और स्टीयरिंग भी बिल्कुल क्लासी मिलता है आपको इसमें। ये आपके उसके MID के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और वॉइस कमांड का भी यहीं पे बटन मिलता है, तो वो आप देख सकते हैं। और MID भी इसकी बहुत बढ़िया है, उसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है, तो वो भी जल्दी आने वाली है, तो आप देख सकते हैं। देखिए वॉइस कमांड, और ये आपके MID में आगे पीछे जाने के लिए, और ये किस चीज़ का है इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इसका स्टीरियो भी वर्क हो नहीं रहा था, क्योंकि शोरूम मोड में लगी हुई है अभी गाड़ी, तो खड़ी हुई है। और ये लिस्ट मतलब कॉलिंग कंट्रोल है, लिस्ट और SRC वही सब। तो यहाँ पे भी AC वेंट्स दिए गए हैं क्रोम सराउंड में और पियानो ब्लैक फिनिश में, तो बढ़िया है। और यहाँ पे आपको दी गई है MID क्या, मतलब फुली डिजिटल वो है ये मीटर, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं, जैसा कि अभी आप देखेंगे, पकड़ के कंफर्टेबली आप राइड को एंजॉय कर सकते हैं अपनी, तो बढ़िया बात है। ये भी बिल्कुल मज़ेदार गाड़ी है ये, अगर अपनी भाषा में कहें तो मज़ा ज़रूर आएगा आपको, फ़न टू ड्राइव और फन सब कुछ है इसमें। ये पियानो ब्लैक फिनिश, ऐसा लगेगा आप ऑडियो में बैठे हैं पकड़ के जब आप इसको चलाएंगे, और बिल्कुल चिपक के रोड से चलती है ये कार, और ये कुछ टाइम के लिए चलती है, इसमें मूड लाइटिंग फिर बंद हो जाती है। ये AC वेंट्स, मतलब जब गाड़ी चलेगी तब तो हमेशा चलती रहेंगी, पर वैसे बता रहा हूँ जैसे कभी हो। और ये IRVM मिलता है आपको, ORVM तो बाहर होते हैं, इनसाइड रियर व्यू मिरर जिसे आप कहते हैं वो मिलता है आपको,
और ये एलईडी लाइट दी गई है आपको यहाँ पे, व्हाइट लाइट जिसे कह सकते हैं आप, और साइड साइड में भी आपको लाइट दी गई है। इसके जो ऊपर वाला वेरियंट है उसमें पैनोरामिक सनरूफ भी आएगी, तो पूरा इंडिया का ख्याल रखा गया है कि इंडिया वालों को क्या पसंद है उस हिसाब से भी। और यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलेगा लाइट्स के साथ, लाइट्स हैं पता नहीं फेक है ये समझ नहीं आया मुझे, तो इस तरफ तो मिरर मिलेगा ही, तो उस तरफ भी मिलेगा। जब ड्राइवर साइड दे दिया तो पैसेंजर साइड भी देंगे, जैसा कि अभी आप देखेंगे ये दे रखा है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं और आगे बात करते हैं। यहाँ पे लाइट मिलती है विथ थिएटर डिमिंग फंक्शन भी है शायद इसमें, हाँ है इसमें थिएटर डिमिंग, और वो छोटी छोटी थोड़ी गोल लाइट भी दी गई है, और मैनुअल मोड आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है, क्रूज़ कंट्रोल की प्लेसमेंट मुझे पसंद आई, और इस तरह वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक आप स्टीयरिंग अपने एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो बढ़िया बात है ये भी। यहाँ पे भी आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं, ये बटन्स आपके वही ऑफ और हैं। हेडलैम्प लेवलर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, कुछ कार्ड वार्ड भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो बढ़िया है। इंटीरियर क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई इस कार की। अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो 30 लाख के आसपास की इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है, तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी प्राइसिंग, तो बढ़िया ही है, सही है, वैल्यू फॉर मनी तो यह है ही। और यहाँ पे आपको ये डोर ओपनर दिए गए हैं सिल्वर फिनिश में, और आगे यहाँ पे ट्विटर दिया गया है आपको स्पीकर सिस्टम के लिए, तो साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, वो हम सुन नहीं पाए क्योंकि स्टीरियो ऑन नहीं हो पाया। उस तरफ भी आपको ट्विटर दिया गया है सेम, स्पीकर भी आपको आगे की तरफ दो दिए गए हैं, और पीछे भी आपको दो स्पीकर तो मिलेंगे, ट्विटर मिलेंगे कि नहीं वो हम पीछे जाके देखेंगे। तो और बाकी ऐसा सच तो कुछ रह नहीं गया आप लोगों को दिखाना, और वो रह गया है मतलब ये आपको पैड्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक कार है तो केवल एक्सीलेटर और ब्रेक मिलता है, क्लच की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्लच तो है ही नहीं। मैनुअल भी दे देते तो बढ़िया रहता, जैसे मुझे तो मैनुअल ही पसंद है, मुझे ऑटोमेटिक कार बिल्कुल नहीं पसंद। और यहाँ पे आप ग्लव बॉक्स देखेंगे तो इसमें भी बढ़िया स्पेस मिल जाती है। और ये इल्यूमिनेटेड है या नहीं वो स्क्रीन पे लिख दूंगा मैं आपकी पक्का, मुझे नहीं पता कि कहीं कहीं जगह पे लाइट जल नहीं रही ना कार में, इस वजह से ये मैं कह रहा हूँ। और बाकी कई सारी सिट्रॉयन मतलब C5 एयरक्रॉस ही खड़ी हैं शोरूम में, क्योंकि अभी खाली और कोई गाड़ी आई भी नहीं है अभी सिट्रॉयन की इंडिया में, तो विजिबिलिटी से लेके तो कोई इशू नहीं है मुझे, सब कुछ बढ़िया दिखता है। आप एकदम ऊँचे बैठते हैं मतलब, हाँ स्कॉर्पियो जितने ऊँचे तो नहीं पर हाँ ऊँचे ज़रूर बैठते हैं आप इसमें। तो आइए अब इसकी आपको सीट की एडजस्टमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, कैसी एडजस्टमेंट है इसकी आपकी, अभी आइए। तो ये आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं लंबर सपोर्ट और कमर वाला हिस्सा और हाइट आगे पीछे, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिए अब इससे आप सीट आगे भी कर सकते हैं, देखिए आगे जा रही है सीट, ये बिल्कुल VIP फीचर लगता है, जैसे लगता है कोई क्लासी कार में बैठे हों आप, बिल्कुल हाई क्लास। सीट की हाइट आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इससे, तो सही है ये भी। अब मुझे ये फील हो रहा है सीट की हाइट में चाहे जितनी भी बढ़ाऊँ बोनट मुझे उतना ही दिख रहा है, जितना सीट सबसे नीचे थी उतने में दिख रहा था, तो चलो कोई बात नहीं, होगा कुछ वहम। अब पीछे वाली सीट पर भी आपको ये एडजस्टमेंट मिलती है अपना, आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो बढ़िया है ये भी। पीछे वाली पे नहीं सॉरी, वो को पैसेंजर पे, वो गलती से बोल दिया मैंने, यहाँ पे वो भी दिए गए हैं स्कफ प्लेट जहाँ पे सिट्रॉन लिखा गया है, और ये भी आपको आगे वाले डोर जैसे ही पियानो ब्लैक फिनिश और सिल्वर फिनिश में दिया गया है, और ये डोर ओपनर भी है यहाँ पे, और बॉटल होल्डर तो आपको मिलेंगे डोर्स वगैरह पे, तो बढ़िया है ये भी। इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पे बॉटल होल्डर तो दिया ही गया है डोर पे, इतनी महंगी कार है ये तो। और पीछे सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं इसकी, कंफर्ट के लिए जैसे सिट्रॉन जानी जाती है, कंफर्ट सिंस 1919 जो कह रही है सिट्रॉन, तो वो हैवी है पावर विंडो के कंट्रोल, और सिल्वर फिनिश में आपको मिलता है ओपनर या होल्डर भी आप इसको कह सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पे आप पकड़ के गाड़ी चलाएंगे अपनी। और ये पावर विंडो और स्पीकर तो दे ही रखा है इसमें आपको, और कंफर्टेबल तो है ये कार, मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी तब भी, आप लेग रूम हेडरूम जो देखेंगे सब बढ़िया है, और हेडरूम से ज़्यादा हेडरेस्ट आपको इसमें एडजस्टेबल मिल ही जाते हैं सारे, और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको पीछे की तरफ, एक बीच में और 2 साइड में, तो कंफर्टेबल ये कि कार किस तरह से बन जाती है वो तो भी आप देख ही रहे हैं। और ये आपको लाइट मिलेगी यहाँ पे भी, और रूफ़ बीच कलर में दी गई है, ब्लैक नहीं दी गई, ब्लैक देते तो और मज़ा आता मतलब मेरे हिसाब से, कुछ लोगों को बीच ही पसंद है तो उनके हिसाब से तो ये है ही बढ़िया। तो और बाकी सेफ्टी वाइज भी ये बढ़िया कार है, हर चीज़ में तो बढ़िया है गाड़ी, तो आप और ले लो तो ये भी फायदा, आपको रोड प्रेजेंस बिल्कुल अलग है तो लोग देखते ही रह जाएंगे आपकी कार को। और यहाँ पे भी कुछ एडजस्टमेंट मिलती है आपको सीट की,
जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे दोनों साइड, ड्राइवर और ड्राइवर दोनों तरफ। और ये आपको वो मिलता है चार्जिंग सॉकेट मिलता है यहाँ पीछे की तरफ भी, और रियर एसी वेंट्स तो आपको मिलेंगे ही, तो बढ़िया है। और पीछे जो बैठेंगे उनको ये ऐसा कुछ लगेगा इसका इंटीरियर, तो बहुत प्रीमियम और बहुत क्लासी जो आप कहते हैं वो इंटीरियर है इसका। तो जो इंटीरियर लवर्स हैं उनके लिए तो गाड़ी बढ़िया है ही, तो क्योंकि इंटीरियर जिनको पसंद होता है वो कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे आप हेडरेस्ट को आप ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बढ़िया लगी मेरे को तो कार, वैल्यू फॉर मनी लगी। और आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो हो सकता है वो करिए। यहाँ पे आप ऐसा एसेसरी सिट्रॉइन से वो लगवा सकते हैं सनशेड्स इसके, तो ये बढ़िया है, धूप नहीं लगेगी आपको अंदर। और बाकी मुझ जैसे लोग तो फिर इसको जेट ब्लैक ही करेंगे पूरा, तो अपने अपनी बात। और यहाँ पे आप सीट कवर चढ़ा लेंगे तो ये जो एडजस्टमेंट थी ये ढक जाती है, तो ये बताना था मुझे आपको। और बाकी इसमें आपको ऑटो पार्क असिस्ट भी मिलता है, जैसे कि आप देखेंगे सिट्रॉइन एडवांस कम्फर्ट ऑटो पार्क असिस्ट, और ये साइलेंट केबिन मिलता है आपको बिल्कुल। इंजन नॉइज इस कार में है, इंजन नॉइज मैं जरूर कहूँगा इस कार में है, पर मज़ा आता है उस नॉइज़ को सुन के, स्पोर्टी कार वाली फील आती है। ये आप इसके टेल लैम्प्स देखेंगे जलते हुए, जलेबी जैसे लगते हैं इसके टेल लैम्प्स पीछे से जलते हुए आप देखेंगे, मतलब चार ऐसा लगता है चार जलेबी रखी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़िया लगी मेरे को तो कार, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सिट्रॉयन की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज़।